स्वागत है आप सबका एच एम शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है फूड स्टोरेज रूल्स। तो आज हम फूड स्टोरेज रूल्स के बारे में बात करेंगे, इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड स्टोरेज रूल्स ये है क्या चीज़? फूड स्टोरेज रूल्स का मतलब है कि हम जो भी फूड को जो है स्टोर करते हैं उसके क्या क्या रूल्स है, उनके क्या क्या पॉइंट्स है। तो आज मैं उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहली बात, आपको फीफो एंड लिफो के बारे में पता होना चाहिए। फीफो मीन्स FIFO, लिफो मीन्स LIFO। तो फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपका जैसे आप स्टोर लेने जाते हो, अगर आप ड्राई स्टोर का कुछ सामान लेकर आते हो, राजमा दाल चावल, तो ये सब जो है इनकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। और आप जो पहले कुछ सामान बचा होता है इसी में कि राजमा दाल चावल का, तो पहले वाले को आप पहले इस्तेमाल कर लेते हो और जो फिर बाद में आपने लिया होता है वो उसको नंबर वाइज रख देते हो। और जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं पेरिशेबल वाले, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब आप ड्राई स्टोर का सामान लिया इसके बाद आप लेकर आते हो डेयरी प्रोडक्ट का सामान, तो इसको लास्ट में बाद में लाया गया इसको पहले आउट करना पड़ेगा। तो वो क्यों? क्योंकि ये जल्दी से ख़राब ना हो जाए, क्योंकि दूध है दूध रखा रहा है, क्योंकि दूध को हम ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते तो वो ख़राब हो जाएगा। पनीर है पनीर ख़राब हो जाएगा, चिकन है वो भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रेश होता है ये फ्रेश ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। होटल लाइन में आपको ये वर्ड सुनने को मिलता रहेगा। आप एक IT हो, आपको स्टोर लेने के लिए भेजा जाएगा तो आपको बोला जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप समझ जाओगे कि मैं ड्राई स्टोर का सामान ला रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कि जो मैं ड्राई स्टोर का ला रहा हूँ इनको पहले मुझे जो है जो पिछले वाला सामान है उनको मैंने पहले इस्तेमाल करना है, मीन्स पहले वो आगे रखना है और जो अब जो सामान लाया है उसको पीछे रखना है। और जो बाद में आप लाते हो उसके बाद आप ले कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट का सामान, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, डेयरी प्रोडक्ट हो गई, ये सब, तो आपको ये तुरंत इस्तेमाल करना होता है। वेजिटेबल्स आप एक जैसे आप क्लीन रैप करके आप फ्रिज में भी रखते हो, वेजिटेबल्स मिर्जा करके अगले दिन का रखते हो उसमें भी आपको जो है यही रखना, यही करना पड़ेगा आपको लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि आपने इसको बाद में सब्जी का इस्तेमाल कर रहा है, बाद में आपने काटा इसको, पहले ही इसको आपको बनाना है। ये नहीं कि आपने अब जो सब्जी आप क्यारी आप काट रहे हो, आप कर रहे हो, जो कटी हुई सब्जी पहले की रखी हुई है, मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इनको जो है इसमें के अंदर भी यही रूल बनेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपने पहले की सब्जी काट के रखी है पहले उसको आउट करो, लास्ट इन फर्स्ट आउट की जो आप बाद में लाए हो, जैसे आपने पनीर काट के रख दिया तो ये सब जो है आप बाद में लेकर आए, इसको आपने काट के रख दिया इसको पहले आउट करो। तो बस ये दो फार्मूले हैं, इसमें ही आपको ध्यान रखना होता है, क्लीन रैप अच्छे से लगाना होता है, टैग आपको लगा के रखना होता है और टैग में आपको डेट लगा के रखनी होती है, डेट और एक्सपायरी डेट। हर आइटम के 3 दिन की एक्सपायरी होती है, जो भी आप लॉन्च करते हो बॉइलिंग करते हो, कोई भी सब्जी आपकी बच जाती है वो बना के आप रखते हो, उन सबको जो है 3 डेज की आपको जो है एक एक्सपायरी डेट लिखनी होती है कि 3 दिन बाद की जो है ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर उस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल नहीं करते, उस सामान को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूध है पनीर है, आप जो है अगर ये बाद में आता है लास्ट इन फर्स्ट आउट तो उसको लास्ट में आया और आप उसको पहले आउट करोगे, मीन्स पहले आप इसका इस्तेमाल करोगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे लगता है कि मुझे वो वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे ये वीडियो के बारे में बताइए, मुझे इस टॉपिक के बारे में बताइए, तो वो टॉपिक के लिए मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगी समझाने के उससे। तो चलिए हम इस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।